जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए कैप्टन आयुष यादव को आखिरी विदाई दी जाएगी। इसके साथ ही पार्थिव शरीर कानपुर में ले जाया गया है, आज मुखाग्नि उनको दी जाएगी। और कैप्टन आयुष यादव को आज मुखाग्नि दी जाएगी और उनका पार्थिव शरीर उनके घर कानपुर ले जाया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए थे कैप्टन आयुष यादव। शहीद कैप्टन आयुष यादव के घर लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई है, आखिरी दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। तो शहीद सपूत के सम्मान में भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, तो श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुपवाड़ा आतंकी हमले में कैप्टन आयुष यादव सही शहीद हुए थे और आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर कानपुर ले जाया गया है, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके आखिरी दर्शनों के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और इसके साथ ही लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने के तमाम नारे भी लगाते हुए यहां दिख रहे हैं और पोस्टर पर पाकिस्तान से बदला लेने की बात, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात तो लखनऊ जंक्शन पर बुजुर्ग की पिटाई की तस्वीर सामने आई है। जीआरपी के जवान ने शिवजीत ने बुजुर्ग रिक्शे वाले की पिटाई जो है वो सड़क पर कर डाली, जिसका वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वर्दी में जवान बुजुर्ग के डंडे से पिटाई कर रहा है और मामला बनने के बाद आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से गोरखपुर का दो दिवसीय दौरा है। सीएम योगी गोरखपुर और इसके साथ देवरिया के सलेमपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ वो विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। सीएम योगी दोपहर 2:30 पर लखनऊ से रवाना होकर 3:15 पर गोरख एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 3:30 होटल अवंतिका में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद विश्वविद्यालय में परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले पॉक्सो कोर्ट ने ओपी मिश्रा को हाईकोर्ट से सस्पेंड कर दिया है। खास बात यह है कि मिश्रा आज ही रिटायर हो रहे हैं। कोर्ट ने प्रजापति को दी गई जमानत पर शुक्रवार को ही रोक लगा दी थी और प्रजापति को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को ही वो लखनऊ की जिला जेल से रिहा किए गए थे। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 तलाक पर विवादित बयान दिया है। मौर्य ने कहा कि मुस्लिम बेवजह और मनमाने तरीके से जब चाहे अपनी पत्नियों को तलाक दे देते हैं। 3 तलाक से उनकी पत्नी और बच्चों को सड़क पर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मौर्य ने यह भी कहा कि 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को बस्ती में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया।
यूपी सरकार ने पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी के मामले में एसआईटी गठित करने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में कहीं भी केस दर्ज होने पर एसआईटी जांच करेगी और इस मामले में 7 केस दर्ज करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर रिमोट चिप लगाकर तेल की चोरी के खुलासे पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी एटीएस की कार्रवाई की तारीफ की है और प्रधान ने यह भी कहा कि सभी पेट्रोल पंप इस तरह के नहीं हैं और जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह की नजर अब 120 लोकसभा सीटों पर है। इन 120 लोकसभा सीटों पर बीजेपी हारी थी। अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो अलग अलग ग्रुप से मिलेंगे और अमित शाह ने मीडिया से आह्वान किया है कि इस दौरे को जम्मू कश्मीर के असंतोष से ना जोड़ा जाए। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में बीजेपी का चेहरा विजय रूपाणी ही होंगे और गुजरात में इस साल विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि सरकार की उड़ान योजना को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी ही एक नया ड्राफ्ट सिविल एविएशन तैयार कर रही है, जिससे पब्लिक सेक्शन में नए वेबसाइट पर इसको डाला जाएगा। फ्लाइट में सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर नो फ्लाई लिस्ट की जाएगी और पहले स्टेज में वार्निंग दी जाएगी, जबकि दूसरे स्टेज में भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद तीसरे लेवल पर यात्रियों को फ्लाइट से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर इनाम के पोस्टर जारी किए गए हैं और सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ और कड़ाई से ऑपरेशन चलाने का भी ऐलान किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर सुकमा हमले की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में शुक्रवार को नाव पलटने से 13 लोगों की डूबकर मौत हो गई है। गांव वालों ने डूब रहे लोगों में से 4 लोगों को बचा लिया है, जबकि इसमें एक शख्स लापता है। पुलिस के मुताबिक नाव में एक ही फैमिली के 18 लोग सवार थे और लेक में बोटिंग करने आए हुए थे। वजन ज्यादा होने की वजह से नाव लेक में डूबने लगी और मरने वालों में 7 महिलाएं 6 बच्चे शामिल हैं। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की अभी हालत गंभीर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद को कराची के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और ब्रेन सर्जरी के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 अप्रैल को दाऊद के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और उससे आखिरी बार 19 अप्रैल को देखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को आतंक का एक जिंदा सबूत हाथ लगा है। शुक्रवार को अनंतनाग में पकड़े गए आतंकवादी का वीडियो सामने आया है। मुनीब अहमद नाम का यह आतंकी बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वो पकड़ा गया। सीआरपीएफ के जवान ने आतंकी को पकड़ा है, हालांकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। अब सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों से पूछताछ कर रही हैं। आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले 7 आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को इनके पास से 27 लाख रुपए नकद, 16 मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद हुआ है। एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी काफी समय से सट्टा लगा रहे थे और आईपीएल के अलावा ये लोग सोने के दाम पर भी सट्टा लगाते हैं। गिरफ्तार सट्टेबाज नोएडा के सेक्टर 93A स्थित एमरॉल कोर्ट के रहने वाले हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यूपी सरकार की राह पर चलते हुए स्कूलों में महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियों पर छुट्टियां रद्द कर दी है और ऐसा करने का उन्होंने फैसला लिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और यूपी की योगी सरकार ने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि की जुड़ी छुट्टियां 15 छुट्टियों को रद्द करने के आदेश दिए थे। इलाहाबाद में विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस के बाहर छात्रों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है, पथराव किया गया। इसके साथ ही आगजनी और हंगामा भी किया गया। पुलिस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल खाली कराने गई थी, जिसके बाद पुलिस पर छात्रों ने पहले जमकर पथराव किया और फिर वहां पहुंची गाड़ियों ने जमकर उसमें तोड़फोड़ भी की गई। छात्रों ने एक बस सहित कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और इसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस बल मौके पर बुलाया गया।
पुलिस ने हालात को काबू करने के इरादे से कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। आपको बता दें कि छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर बवाल शुरू हो गया। फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यूपी के एटा में पत्रकार की पिटाई के मामले में एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बड़ी कार्रवाई की है और मेला चौकी प्रभारी अरविंद यादव, दो एसआई सहित 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शहर कोतवाली में मामला दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कोतवाली के सैनिक पड़ाव में चल रही नुमाइश की कवरेज कर एक वीकली समाचार पत्र के पत्रकार विजय वर्मा की पुलिस कर्मियों ने जमकर पिटाई कर डाली थी, जिससे उनको गंभीर चोटें भी आईं। एटा में शिक्षा विभाग की बदहाल तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। यहां एक शिक्षक ने स्कूल की छुट्टी पर मासूम छात्र को क्लासरूम में बंद कर ताला लगा दिया। मासूम छात्र करीब 4 घंटे तक क्लासरूम में बंद रहा और रोता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षक को बुलाकर स्कूल का ताला खुलवाया और फिर छात्र बेहोशी की हालत में अंदर से मिला। इस घटना के बाद छात्र के परिजनों ने आरोपी शिक्षक और प्रधानाचार्य के खिलाफ थाना बागावाला में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मऊ जिले में शराब के नाम पर ग्रामीणों का बवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पुलिस ने शुक्रवार को एक बार फिर से शराब पर होने वाले विरोध को दबाने के लिए ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों की जमकर भी धुनाई की गई। ग्रामीण शराब की नई दुकान खोलने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बलिया लखनऊ हाईवे पर घंटों जाम भी लगाया और पिछले 4 दिनों में 3 बार ग्रामीणों पर लाठीचार्ज हो चुका है। जम्मू के आरएसपुरा और इसके साथ रामगढ़ सेक्टर में आग लगने से 2 अलग घटनाओं में सैकड़ों एकड़ की जो फैली फसल थी उसकी गेहूं की फसल में खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग खेतों के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के ढीले तारों की स्पार्किंग की वजह से लगी। किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही इसकी बड़ी वजह है और ऐसी घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक पेट्रोल पंप पर अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की लपेटें इतनी तेज हो गई जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान ही एक व्यक्ति भी झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके में कई दुकानों में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया, फिर दुकानों का सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। दिल्ली के राजीव चौक पर मेट्रो स्टेशन पर पॉर्न वीडियो केस में 3 मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है। ये मामला जांच कर रही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस मामले में एक्शन लिया है। डीएमआरसी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में लगी हुई है। पुलिस मेट्रो स्टेशन में एंट्री प्वाइंट इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगालने में लगी है। दरअसल 9 अप्रैल को 12 एलईडी स्क्रीन्स पर पॉर्न क्लिप चला दी गई थी। दिल्ली में दफ्तर आने जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी ने पॉइंट टू पॉइंट बस सुविधा देने की घोषणा की है और योजना के तहत 1 मई से 20 लो फ्लोर स्पेशल एयर कंडीशन बसें रिहायशी इलाकों से ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए तैयार की जा रही हैं और फिलहाल ये सुविधा सेंट्रल, साउथ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लोगों को दी जा रही है। दिल्ली में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के साथ धूल भरी आंधी भी चलने की संभावना है। दिल्ली में डीडीसीए के कर्मचारी रतन सिंह की हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई। दरअसल कर्मचारी पर कोटला स्टेडियम से टेलीविजन सेट चुराने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और परिवार के लोगों का कहना है कि रतन सिंह निर्दोष था और डीडीसीए कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलता फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में कोई मैच नहीं होने देंगे। बीएसएफ से बर्खास्त किए गए जवान तेज बहादुर के विरोध प्रदर्शन में हरियाणा की कुछ और पंचायतों के लोग सामने आ गए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर वो आ जुटे हैं।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तेज बहादुर की बर्खास्तगी पर जांच की मांग की है और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का फैसला किया है। तेज बहादुर ने बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत करते हुए एक वीडियो जारी किया था और जांच के बाद बीएसएफ ने तेज बहादुर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। आज दिल्ली की सड़कों में जरा सोच समझ कर निकलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के लोगों के लिए एक चेतावनी जारी की है। दरअसल दिल्ली में आज करीब 14,000 शादियां हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक को मद्देनजर मदद की मांग की है। मुंबई में रेलवे का बड़ा घोटाला सामने आया है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक मध्य रेलवे के कमर्शियल ब्रांच ने जनवरी 2016 में 100 ग्राम दही के 15,336 यूनिट दही खरीदा और इसे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद खरीदा गया। शुक्रवार शाम बदरपुर फ्लाईओवर से गिरने से एक लड़के और लड़की की मौत हो गई है। पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना मिली थी और मौके पर पहुंचने पर पुलिस को एक 18 साल के लड़के और 18 साल की लड़की का शव फ्लाईओवर के नीचे मिला है। लड़के की पहचान फरीदाबाद के सुलभ पांडे के रूप में की गई है जबकि लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जांच के मुताबिक सुलभ की बाइक को एक होंडा ब्रेवो कार ने टक्कर मारी थी और पुलिस ने कार चला रहे अनवर नाम के शख्स को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है।